करना बंद कर दे वो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ही महरीन की जिंदगी को बचाए हुए। आखिर कब तक छुपाएंगे हम इस सच्चाई को? हाँ, और कितना छुपा लेंगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल जाएगा ना, और महरीन को भी। टेक इट इजी शायस्ता, उसने कौन सा पहली बार ऐसा किया? वो हमेशा ही ऐसा करती है। तुम यहां क्या कर रही हो? वो जी, बड़े साहब ने अपनी शर्ट इस्त्री करने के लिए बोला था। हाँ, ले लिए ना, जाओ करो जाओ। जी वसाई, वसाई रुके, बात सुने मेरी। जी छोटी बीबी साहिबा। सब सुन लिया है मैंने। क्या सुना आपने? सलमान मैरीन आंटी का बेटा नहीं है। अब मैं, मुझे आपके भी मुंह से सुनना है। ठीक सुना है जी आपने। क्या है ये वसाई, और कैसे? मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ जितना आपको मालूम हुआ है। परसों पहले बड़ी बीबी साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था। उनके दिमाग पे चोट लगी और वो सब कुछ भूल गईं। जब उन्हें होश आया तो छोटे साहब को अपना बेटा कहने लगी। बस उनकी जिंदगी की खातिर सबने इस झूठ को सच मान लिया। और किस किस को बताया कि ये झूठ है? बड़े साहब, बेगम साहिबा, मैं। और अब आप। और सलमान, क्या वो जानता है? कि वो मेरी नानी का बेटा नहीं है? नहीं जी,
पास कोई रहम ना करूं और कह दूं उसे कि सलमान तुम्हारा बेटा नहीं, उरूज तुम्हारी बहू नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। महरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ही महरीन की जिंदगी को बचा रहे। आखिर कब तक छुपाएंगे हमें सच्चाई को? हाँ, और कितना छुपा लेंगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल जाएगा ना, और महरीन को भी। टेक इट इजी शायस्ता, उसने कौन सा पहली बार ऐसा किया? वो हमेशा ही ऐसा करती है। परसों पहले बड़ी बीबी साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था, उनके दिमाग पे चोट लगी और वो सब कुछ भूल गईं। जब उन्हें होश आया तो छोटे साहब को अपना बेटा कहने लगी। बस उनकी जिंदगी की खातिर सबने इस झूठ को सच मान लिया। ये सब क्या है मेरे खुदा? दो एक जैसे लोग एक जगह करती है। सलमान भी मेरे जैसी जिंदगी गुजार रहा है। ये कैसे हो सकता है कि सलमान महरीन आंटी का बेटा नहीं है? जबकि आंटी तो उस पर जान छिड़कती हैं।